यूनिवर्स से कुछ अगर पाना है तो सबसे पहले यूनिवर्स किन लॉस पे चलता है ये समझ लो, यूनिवर्स के क्या क्या सिद्धांत हैं उनको समझ लो। यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करने के लिए दो बहुत ही पावरफुल मेथड्स हैं, 369 मैनिफेस्टेशन मेथड जो कि निकोला टेस्ला ने दिया है, 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन का मेथड जो कि हमको अब्राहम हिक्स ने दिया है। अलग अलग भी मेथड को यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या इन दोनों मेथड्स को मिक्स किया जा सकता है, क्या इन दोनों मेथड्स को मिक्स करने का कोई फायदा है, क्या इनको मिक्स नहीं करके भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नमस्कार, मैं आज आपको इन्हीं सारी चीजों को बताने जा रही हूँ कैसे 369 मैनिफेस्टेशन मेथड को आप यूज करें, 17 सेकेंड के साथ में भी आप मिलाकर इस्तेमाल कैसे करेंगे। मान लीजिए आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है मनी का मैनिफेस्टेशन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो होता है मनी, दूसरा होता है लव। तो मैं बताने जा रही हूँ आपको कि मनी को अगर मैनिफेस्ट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में अगर आप बढ़ रहे हैं तो एक बिल्कुल सॉलिड सा अफर्मेशन बना ले जिसमें इफ्स और बट्स नहीं हो, मीन्स एक ऐसी लाइन बना ले, एक ऐसी अफर्मेशन बना ले जिसमें आप जो कहना चाह रहे हैं वो शॉर्टकट पूरी बात आपने कह दी हो, आधी अधूरी नहीं हो, उसमें कम शब्दों में ऐसी चीज बोलें जो एक्चुअल में आप पाना चाहते हैं। मान लीजिए आप मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपने एक अफर्मेशन बना ली छोटी सी कि मैं यूनिवर्स की शुक्रगुजार हूं जिसकी मदद से मुझे बहुत सारा पैसा हर तरफ से अट्रैक्ट होके मिल रहा है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ, फाइनेंशियली फ्रीडम है मेरे पास और फाइनेंशियली मैं स्टेबल हूँ, मीन्स कुछ इस तरह की। अगर आपको स्टेबिलिटी का इशू है तो आप स्टेबिलिटी वर्ड डालिए, फाइनेंशियली अगर आप फ्रीडम चाहते हैं तो आप वो वर्ड डालिए, जैसा वर्ड डालना चाहें, पैसे से हैप्पीनेस मिलती है। अगर आपकी लाइफ में खुशियां नहीं है पैसों की वजह से तो आप हैप्पीनेस वर्ड को डालिए। तो इस तरह से एक अफर्मेशन बना लीजिए, अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आपने छोटी सी अफर्मेशन कुछ भी बना ली कि विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स आई एम अट्रैक्टिंग अ लॉट मनी इन माई लाइफ, या आई एम अट्रैक्टिंग, जो भी आपको मान लो कुछ अमाउंट डालना है आपने वो अमाउंट डाल लिया, उस तरह से आपने एक अफर्मेशन बना ली। अब आप यूज करने जा रहे हैं इसमें 369 मेथड निकोला टेस्ला का। 369 मेथड क्यों? 3 नंबर जुड़ा है यूनिवर्स की ताकत से, 6 नंबर जुड़ा है हमारी ताकत से, हमारी इनर स्ट्रेंथ से, 9 नंबर जुड़ा हुआ है उस रिलीज निगेटिविटी को रिलीज करने से जो आपको मैनिफेस्टेशन में आपके लिए ब्लॉकेजेस बनाती है, यानी जो भी चीजें ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रही हैं उनको रिलीज करने से जुड़ा है। तो 3, 6, 9 क्या हुआ? यूनिवर्स की ताकत, हमारी ताकत और रिलीज द निगेटिविटी, सारी निगेटिविटी जो ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रही है। तो 369 मेथड को अब हम मैनिफेस्टेशन में कैसे यूज करेंगे? सिंपल, जो आपने अफर्मेशन बनाई है सुबह 3 times उसको लिखिए डेली, निश्चित समय पे लिखने का कोशिश करिए। जब भी हम किसी कोई भी चीज, चाहे हम पूजा साधना लेकर चले या किसी भी चीज में, निश्चित समय पे और निश्चित टाइम पर जब हम बैठते हैं, निश्चित जगह पे बैठते हैं ना, तो उसका असर पूरा यूनिवर्स, वो जगह स्पेस भी आपको हेल्प करना शुरू कर देता है। तो आपको क्या करना है, एक टाइम फिक्स कर लेना है, सुबह 3 बार डेली उस अफर्मेशन को आप लिखेंगे जो भी आपने अफर्मेशन बनाई है कि मैं यूनिवर्स की मदद से बहुत सारे पैसे को अट्रैक्ट कर रही हूँ, अब मैं मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है जिससे मैं बहुत खुश हूँ, यूनिवर्स की मदद से मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है जिससे मैं बहुत खुश हूँ, ये आपकी अफर्मेशन है। सुबह आपने 3 बार इसको लिखा, दिन में लंच के बाद का कोई टाइम निकाल लें, फिक्स कर लें, 6 बार उसको लिखिए। सुबह आपने यूनिवर्स की ताकत को इस्तेमाल किया, अब अपनी इनर स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करिए, 6 बार सेम अफर्मेशन, कोई वर्ड चेंज नहीं करना है, सिंपल वही वर्ड आपको हमेशा यूज करने हैं जो आपने एक बार डिसाइड किया है। 6 बार दिन में लिख लिया, 9 times आपने इवनिंग में, नाइट में सोने से पहले लिखा, 6 में आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ यूज कर दी, 9 में आप सारी निगेटिविटी रिलीज कर देंगे जो आपको मैनिफेस्टेशन में हर्डल क्रिएट कर रही है। तो आपने 9 times रात को सोने से पहले लिखा, इस पूरे प्रोसेस को जो भी आपने मैनिफेस्ट करना चाहा 33 days तक आप यूज करेंगे। तो आपने इस्तेमाल कर लिया 369 की पावर को। तो ये है निकोला टेस्ला की थ्योरी। अब अगर आप इसमें अब्राहम हिक्स की भी थ्योरी को मिक्स कर दें और फास्ट रिजल्ट आ जाएगा।
अब्राहम हिक्स ने क्या कहा, 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन, यानी जो भी चीज आप पाना चाहते हैं उस पर 17 सेकंड आप फोकस करेंगे तो वो मैनिफेस्ट होने लगेगी। पर सवाल उठता है 17 सेकंड ही क्यों, 16 सेकंड क्यों नहीं, 18 सेकंड क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि किसी भी एक थॉट पर अगर 17 सेकंड के लिए आप फोकस करने लगते हैं तो जो आपका ब्रेन है ना उस थॉट को एनर्जी देने लगता है। यानी आपने सोचा कि मैं पैसे को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, 17 सेकंड जब आपने उस थॉट को फोकस किया तो ब्रेन आपका, अगर आपने 17 सेकंड फोकस कर लिया है तो ब्रेन उसको एनर्जी देने लगेगा, यानी वो चीज़ मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, वही 369 की पावर को यूज करना है, सेम वही अफर्मेशन, सुबह 3 बार 17 सेकंड के लिए निश्चित अफर्मेशन पर ही फोकस करना है, चाहे लिखिए चाहे बोलिए, पूरी तरह से बोलिए और 17 सेकंड बस उसी धुन में रहिए कि पैसा आपको अट्रैक्ट होके मिल रहा है, मिल रहा है, आप खुश हैं, एंजॉय करिए। मींस 17 सेकंड या उससे ज़्यादा ही आपको करना है, कम नहीं। सुबह 3 टाइम्स 17 सेकंड के लिए फोकस करिए, दिन में सेम वही प्रोसेस, जब आप 6 बार कर रहे हैं तो 17 सेकंड के लिए 6 बार करिए, नाइट में 9 टाइम्स करना है, 17 सेकंड के लिए 9 बार करना है। तो आपने मिक्स कर दिया अब्राहम हिक्स को साथ में निकोला टेस्ला के, अगर इन दोनों मैनिफेस्टेशन मेथड्स को अप्लाई कर देंगे तो मनी मैनिफेस्टेशन बड़ा ही सिंपल हो जाएगा और आसानी से आप पा सकेंगे। 33 डेज के लिए इसको करके देखिए कैसा रिजल्ट आता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं शालिनी अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक प्यार भरा नमस्कार।